आप देख रहे हैं न्यूज़ हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी जीत गए हैं, आप लोग क्या कहेंगे? निश्चित ही दोनों सीट हम जीतेंगे। कुशेश्वर स्थान में तो रिजल्ट आ गया, जनता का पूरा ये जनता का जीत है और विकास पर भरोसा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पर आस्था जताते हुए चौथी बार हम सत्ता में हैं। लेकिन आरजेडी कह रही है कि आप लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है। ये जो चुनाव जो हारता है उन्होंने पहले ही चुनाव हार गया, नहीं वो तो पहले ही स्वीकार कर लिया और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? उन्होंने क्या किया है? लालू का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस चुनाव में, क्या कहें इसको? लालू जी को अब स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहिए, लालू जी को अब स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहिए, उनको आराम करना चाहिए। चलिए, थे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन इस वक्त जो जीत का जश्न जो है वो मनना शुरू हो चुका है। जेडीयू दफ्तर में ये तस्वीरें देखिए कि जहां लगातार नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और पटाखे और आतिशबाजी जमकर जेडीयू का कार्यालय में इस तरीके से हो रही है। और आप तस्वीरें देखिए कि अभी लगातार जो नीतीश कुमार और ये देखिए आतिशबाजी की तैयारी, आतिशबाजी की तैयारी जो है वो जेडीयू का कार्यालय में लगातार की जा रही है और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा जा रहे हैं। जश्न की तस्वीरें हम आपको लगातार जेडीयू कार्यालय से दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तारापुर में जीत नहीं हुई है, लेकिन कार्यकर्ता और नेता जेडीयू की ये मान चुके हैं कि जीत जो है उनकी ही होनी है और जीत और जश्न तैयारी जो है वो कार्यालय में की जा रही है। और ये देखिए एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाई जा रही है। ये देखिए एक दूसरे को लड्डू जेडीयू के कार्यकर्ता जो हैं और नेता जो हैं वो एक दूसरे को खिला रहे हैं। अपनी तस्वीरें देखिए, हम जेडीयू कार्यालय से दिखा रहे हैं। और चलिए देखिए काफ़ी गहमा गहमी और भीड़ जेडीयू कार्यालय में इस वक्त देखी जा रही है और मिठाइयां जो हैं एक दूसरे को बांटी और खिलाई जा रही हैं। एक तरह से कहते हैं कि जो जेडीयू कार्यालय जो दृश्य है, जो नज़ारा है वो देखते बन रहा है। फिलहाल हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडरान भी होंगे। अब अब्बास जी क्या कहेंगे जेडीयू की शानदार जीत पर? भाई पूरा क्रेडिट पार्टी सारे कार्यकर्ता एक मिनट ये लोकतंत्र की जीत है, पार्टी की जीत है, पार्टी की कार्यकर्ताओं की जीत है। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हुआ, हम दिल की गहराइयों से पूरे कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद दे रहे हैं और विकास की ये जीत है। लेकिन आरजेडी कह रही है कि आप लोगों ने खेला तो किया है। देखिए आरजेडी के बाद इल्ज़ाम लगाने के अलावा और कुछ है ही नहीं, वो हमेशा इल्ज़ाम लगाती है। शुरुआत में जो टीवी चैनल पे जो बयान आ रहे थे वो भी देखिए आप कि आप उनकी तेजस्वी यादव वहाँ बैठे हैं, हमने उस वक्त भी कहा था कि जब ये हारेंगे तो फिर क्या कहेंगे, वही बात कहेंगे ये जो कह रहे हैं वही बात कहेंगे। देखिए फुल व्यू हम आपको दिखा देते हैं कि जेडीयू का कार्यालय में एक तरफ कार्यकर्ता जो हैं एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं तो दूसरी तरफ जो सीनियर लीडरान हैं वो बाइट कर रहे हैं। बहुत खुश लग रहा है। बहुत खुश हैं, लौटे हैं तारापुर में 10 दिन रहे। मेरा नाम अकील अहमद खान है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी सेल में, 10 साल से लगातार माइनॉरिटी सेल में उपाध्यक्ष हूँ और 10 दिन रह के तारापुर से आ रहे हैं। मुस्लिम वोटर को हम जोड़ने का काम किया है। कोई भी गांव ऐसा नहीं है वहाँ मुस्लिम गांव जिसको हम लोगों ने नहीं वहाँ नहीं गए होंगे और सारे लोगों से हाथ उठवा कर का आश्वासन हम लोगों ने लिया है। इसलिए जो है मुस्लिम वोट के जुटने के बाद जो है पार्टी की जीत जो है सुनिश्चित हुई है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, और भी जश्न के वीडियोस हम आपको पटना जेडीयू कार्यालय से दिखाएंगे।